साइका फूड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हैदराबादी चिकन बिरयानी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसमें हम सबसे पहले रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये मैंने 1 पिंच ही लिया था। अब इसमें हम 1 टीस्पून जो है लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया था, उनको ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप हम एकदम फ्रेश जो है दही ऐड करेंगे। इसमें दही का इसमें बहुत ही बढ़िया रोल है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया और पुदीने को ऐड करेंगे। इससे हमारी बिरयानी में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो अब हम जितने भी मसाले, दही, हरी धनिया, जो सब कुछ हमने इसमें ऐड किया है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें जाके चिकन में जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये लीजिए, हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए अब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने 4 प्याज ली थी, इनको मैंने ऐसे लच्छे में ही कट किया है क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। और ये मैंने जो है कुछ गरम मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ लिया है, ये मैं जायफल ली हूँ 1, इसमें हम इसका 1/4 पार्ट कट करके ले लेंगे, और ये जावित्री लिया है, 4 लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 5 सफ़ेद इलायची ली है और 15 से 20 मैंने गोल मिर्च ली है। इन सबको हम पहले रोस्ट कर लेते हैं। हम एक पैन लेंगे, उसमें सभी चीज़ों को डाल देंगे और इनको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बिरयानी का एक बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, अब इनको हम पाउडर बना लेते हैं। ये लीजिए, हमारा बिरयानी मसाला बनकर एकदम तैयार है। अब हम एक पैन में जो है 1/2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल के जगह अगर आप चाहें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। सभी प्याज को इसमें हम डाल देंगे और इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है, इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए, प्याज हमारी एकदम बढ़िया से फ्राई हो गई है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम उसी पैन में और उसी तेल में हम 1 जो है दालचीनी की लकड़ी और 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। सभी इसमें जो भी मसाले हैं, जो भी उनको सबको हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि यही हमारा ग्रेवी का काम करेगा। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। अब हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा था उसमें हम थोड़ी सी प्याज जो है वो बिरयानी में जो है परत लगाने के लिए रख लेते हैं और जो बाकी जो प्याज है वो हम अपने मसाले में डाल देते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में हमने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इन्हें हम पकने के लिए जो है 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक के लिए इसे हम पकाएंगे। इसमें हम लीड लगा देते हैं और इसको रख देते हैं। ये मैंने बिरयानी की राइस लिया था 1/2 kg और इनको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे। हम इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे ताकि चावल हमारा जो है अच्छे से फूल जाए। ये लीजिए, चिकन हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए हम चावल को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक बड़े से पतीले में
या फिर कोई भी आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैंने 1.5 लीटर पानी लिया था और 1 तेज़पत्ता और छोटी सी दालचीनी की लकड़ी और 1 टीस्पून जो है नमक और 1 टीस्पून जो है सौंफ को ऐड कर देंगे। और हमने इसमें 5 हरी मिर्च भी ऐड कर दी है इसको बीच से कट करके। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। चीज़ों को हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। पानी हमारा अच्छे से जब बॉयल हो जाए तो इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे जो हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था, और इनको हम अच्छे से पका लेंगे। चावल को हमें सिर्फ 75% पकाना है, पूरा नहीं इसे गलाना है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं ताकि चावल हमारा अच्छे से गल जाए जितना हमें इसे गलाना है। चावल हमारा अच्छे से पक गया है, इसे हमने 75% ही पकाया है। अब इसका पानी हम निकाल देते हैं और ये देखिए चावल जो है हमारा अभी जो है पूरी तरीके से नहीं पका हुआ है, हमने सिर्फ 75% ही पकाया है। तो चलिए हम बिरयानी में लेयर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पतीले में ही 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखा है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, ये हम फर्स्ट लेयर तैयार कर रहे हैं। चिकन को ऐड करने के बाद जो ये हमने बिरयानी मसाला बना के रखा था उनको हम ऐड कर देते हैं। अब हमने जो फ्राई करके प्याज रखी थी उसको ऐड कर देंगे और थोड़ा से पुदीने को हम डाल देंगे और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट लेयर बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम बाकी के लेयर्स को भी बना लेंगे। फिर से इसमें हम राइस लगाएंगे, फिर से हम चिकन की ग्रेवी ऐड करेंगे। फिर से हम इसमें राइस ऐड कर रहे हैं और सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसमें हम ऊपर से गरम मसाला ऐड करेंगे जो हमने बिरयानी के बना के रखा हुआ था। ये हमारी लास्ट लेयर है, तो लास्ट लेयर पे हम ये हमने दूध और रेड फूड कलर को मिक्स करके रखा है और इनको हम थोड़ा थोड़ा बिरयानी के ऊपर हम डाल देंगे। अब इसमें हम पुदीना और धनिया और जो हमारी फ्राई की हुई प्याज थी सबको इसमें हम ऊपर के लेयर पे डाल देते हैं। और ये मैंने कुछ जो है लेमन को कट करके रखा था उनकी पीसेस, उनको भी इसमें हम डाल देते हैं। और हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर एकदम तैयार हो गई है। बस इसे हम 5 से 10 मिनट तक एकदम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रख देंगे दम के लिए, और कोई भारी सामान इसके ऊपर हम रख देंगे और हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर हम ये भारी सा सामान रख देते हैं। ये लीजिए हमारी बिरयानी बनकर एकदम तैयार हो गई है। मैं आपको चेक कराती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है और बहुत ही लाजवाब ये बनकर तैयार हुई थी। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।